खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के यूपीएससी ऑफिस के गेट पर आज बड़ी संख्या में पीसीएस आरओ और एआरओ के अभ्यर्थी ने प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद छात्रों ने सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्र अपने हाथों में तख्तिया और बैनर लेकर गेट के बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे। छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। यहां जुटे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आयोग की तरफ से दिसंबर में जो पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा होनी है, उसे एक दिन में एक ही शिफ्ट में या एक दिन में दो ही शिफ्ट में संपूर्ण करा दी जाए, ताकि पेपर लीक की कोई गुंजाइश बचे ही ना। आपको बता दें, प्रयागराज में लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वन डे वन एग्जाम की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में छात्रों ने लोक सेवा आयोग के गेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र पीसीएस प्री की दो दिन में दो पाली में परीक्षा कराने का विरोध कर रहे हैं। छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर यूपी पीसीएस 2024 आरओ एआरओ 2023 प्री एग्जाम को लेकर, इसकी तिथि को लेकर आज लोकसभा का उन्होंने घेराव किया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर का, सड़क पर बैठे और नारेबाजी की। छात्र नो नॉर्मलाइजेशन वन डे वन शिफ्ट की मांग को लेकर ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आयोग से नॉर्मलाइजेशन घटाने के लिए मांग की है। छात्रों की एक ही मांग है कि पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा पहले की तरह एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। गौरतलब है कि इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन और हिंदी के एक ही प्रश्न पत्र होंगे। पहले सामान्य अध्ययन और हिंदी के दो अलग अलग प्रश्न होते थे, अब ये परीक्षा 3 घंटे की होगी। इस साल 11 फरवरी में महीने में आरओ एआरओ के एग्जाम कराए गए थे, मगर पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। अभी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन इसी सिलसिले में हो रहा है। और दो शिफ्ट का जो एग्जाम होना है, ये दो शिफ्ट का एग्जाम पहले से एक तो निर्धारित नहीं था, दूसरी बात ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा है कि कभी भी खेल प्रारंभ होने के बाद में आप बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। दूसरी बात और पहली बात ये है कि एसओपी में कहा गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एसओपी लाई गई, उस एसओपी में कहा गया था कि जो विशिष्ट परीक्षाएं हैं उनको एक शिफ्ट में आयोजित कर सकती है लोक सेवा आयोग। आज के पहले भी लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षाएं होती थी, आज से 30 साल 25 साल पहले भी ऐसी परीक्षाएं होती थी, उस टाइम भी सरकार के पास इतना संसाधन था कि परीक्षा आयोजित कर ले होनी चाहिए। मांग ये है कि हम लोग पीसीएस के एग्जाम को वन डे के एग्जाम की तरह कराना चाहते हैं, और जैसे यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, तो एसएससी और पीसीएस के एग्जाम में दोनों में बहुत डिफरेंस है। पीसीएस का एग्जाम ऑफलाइन होता है, एसएससी का एग्जाम ऑनलाइन होता है, लैब में कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें रिसोर्सेज सीमित है। पीसीएस में ऐसा नहीं है, जब यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम करा सकती है तो पीसीएस क्यों नहीं कराया जा सकता है, वो आज के पहले हमेशा होता था। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन और सरकार की मानसिकता, आपके उदाहरण आपके सामने है, जैसे अभी पुलिस का एग्जाम कराया गया था, उसमें आप धांधली हुई, चीटिंग हुई, और उस पेपर को मुख्यमंत्री जी ने कैंसिल कर दिया, और हम लोग मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी भी हैं। उसके बाद फिर से पुलिस का एग्जाम कराया गया और कोई भी चीटिंग का कोई भी मामला सामने नहीं आया। इससे ये साफ होता है कि अगर प्रशासन और सरकार चाहे जाए तो वो कोई भी एग्जाम पूरे फेयर तरीके से कंडक्ट करा सकती है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।